तो अभी हम अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो के स्टेप 5 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ। तो संवेदनाओं के 3 स्रोत दिखाई देते हैं। एक तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार, दूसरा शरीर के बाहर होने वाली भौतिक रासायनिक घटनाएं, और तीसरा शरीर के भीतर होने वाली घटनाएं। तो ये सूचना के रूप में मुझे प्राप्त होती है जिसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। उसको मैं पढ़कर किस प्रकार से अर्थ देता हूँ उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारे अपने विकास में, क्योंकि तो अल्टीमेटली जो बाहर से आ रहा है वो सिर्फ सूचना है, उसको अर्थ मैं देता हूँ, और जो मैं अर्थ देता हूँ अपने संस्कारों से जोड़कर देता हूँ। तो यहाँ मैं अपने संस्कारों का अध्ययन कर पाता हूँ। और जैसा हम लोग हर बार कहते रहे हैं कि मूल मुद्दा तो अपने संस्कारों में परिमार्जन का है, तो मुझे अपने संस्कारों का होश तो हो। तो अभ्यास 1 में भी हम अपने संस्कारों का अध्ययन करते रहे, भाव को देखने के आधार पर। अभ्यास 2 में भी संस्कारों का अध्ययन कर रहे हैं, शरीर से मिलने वाली सूचनाओं को देखते हुए। और जैसा शुरू में बात हुआ था कि अभी हम 2 तरह से ही प्रभावित होते हैं, दूसरे से मिलने वाले भाव के आधार पर या शरीर से मिलने वाली संवेदना के आधार पर। तो आपको दिखेगा कि जो दूसरे से मिलने वाला भाव है वो भी एक बेसिकली कुछ संवेदना के रूप में पहले मुझे प्राप्त होता है, और फिर मैं जिसको अर्थ देता हूँ उससे मेरे अंदर भाव निर्मित होता है। और शरीर से जो संवेदना मिलती है, चाहे शरीर के भीतर घटित होने वाली घटना से या शरीर के बाहर घटित होने वाली भौतिक रासायनिक घटनाओं से, उसको भी मैं अपने सुख दुख से जोड़कर अर्थ देता हूँ। तो अभ्यास 2 में मूलतः जो हम काम कर रहे हैं, स्वयं द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं, और उस आधार पर अपने संस्कारों में परिमार्जन का काम कर रहे हैं। तो पहली आवश्यकता तो ये बनी कि मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचाना जाए, जिसको हमने स्टेप 1 में किया। फिर इनके बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा जाए। तो उसको जब देखते हैं तो पता लगता है कि मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं। मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो सूचना है, और शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, और ये संवेदनाएं भी मुझ तक सूचना के रूप में ही पहुंचती हैं। स्टेप 3 में हमने देखा कि जो भी ये आदान प्रदान हो रहा है शरीर के साथ, उसमें निर्णय मेरा है, शरीर का नहीं। स्टेप 4 में मैंने अपनी दूरी देखने का अभ्यास किया शरीर में होने वाली घटनाओं के साथ, तो दिखता है कि मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, और यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। 3-4 स्टेप्स को करते हुए मुझे अपना और शरीर का होना अलग अलग स्पष्ट होने लगता है। स्टेप 4 पे अगर आप इस दूरी को ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो आपको दिखेगा कि शरीर आपसे बाहर है, आप शरीर नहीं है, शरीर में नहीं है, शरीर आप में नहीं है, एक जड़ वस्तु है जो आपसे बाहर है, जिसमें जड़ क्रियाएं हो रही हैं जो संवेदनाओं के रूप में मुझे प्राप्त होती हैं। अब स्टेप 5 में हम इसको अब अपने सुख दुख से जोड़कर देख रहे हैं कि जो संवेदनाएं प्राप्त हो रही हैं उससे मैं कैसे सुखी दुखी होता हूँ, और कैसे मैं रिया के रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो इसको हम लोग कल भी अभ्यास करते रहे, एक महत्वपूर्ण भाग है ये। इसको हम जितना बारीकी से ऑब्जर्व कर पाएंगे अपने द्वारा दिए जाने वाले अर्थ के अर्थ में, तो उसमें हमें अपने संस्कारों का होश होगा। मैं किस बात से प्रभावित होता हूँ, किस बात से प्रभावित नहीं होता हूँ, किन संवेदनाओं को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ और पढ़ता हूँ, किन संवेदनाओं को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। तो आप मार्केट से गुजर रहे हैं, आपका मित्र भी गुजर रहा है, हर तरफ होर्डिंग लगी हुई है, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, है ना, हर तरफ होर्डिंग लगी हुई है। आप एक तरह की होर्डिंग पे ध्यान देते हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरह की होर्डिंग पे ध्यान देता है। तो बाहर जो बहुत ही रासायनिक वस्तुएं हैं तो एक ही प्रकार से है ना, बट आप एक तरह की संवेदना को पढ़ रहे हैं, आपका स्पाउस दूसरे तरह की संवेदना को पढ़ रहा है, मित्र तीसरे तरह की संवेदना को पढ़ रहा है, बच्चा चौथे तरह की संवेदना को पढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम संवेदनाओं को भी पढ़ने में अपना निर्णय का प्रयोग करते हैं, और उसको पढ़कर हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अर्थ भी दे रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिए जा सकते हैं, आप कहीं बैठे हैं, कोई दृश्य हो रहा है सामने, तो कोई व्यक्ति उस दृश्य की ओर ध्यान दे रहा है, कोई व्यक्ति अपने मित्र की ओर ध्यान दे रहा है जिनसे बातें हो रही है, कोई व्यक्ति अपने किसी निजी काम में लगा हुआ है।
हमने जिस चीज को जो महत्वपूर्ण माना हुआ है उधर ध्यान दे रहे हैं, उसी को हम संवेदना के रूप में पढ़ रहे हैं और फिर उसके आधार पर हम आगे का निर्णय ले रहे हैं। तो इस बात को हम लोग ऑब्जर्व करते रहे पिछले 3-4 दिनों से। इसमें अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई नई बात आई हो, कोई प्रश्न बना हो तो उसको रख सकते हैं। तो ये 9 क्रियाएं दिखाई देती हैं, है ना। इन 9 क्रियाओं को भी स्टेप बाय स्टेप देखने की जरूरत है, बारी बारी से देखने की जरूरत है कि कब मैंने निर्णय लिया उस संवेदना को पढ़ने का, ठीक है ना। फिर उसको जो मैंने निर्णय लिया उसको मैंने कैसे अर्थ दिया, फिर उस अर्थ से मैं कैसे प्रभावित हुआ या अप्रभावित रहा, फिर मैंने कैसे अपने अंदर प्रतिक्रिया की या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करने का एक निर्णय लिया, और शरीर को संकेत दिया या नहीं दिया, दिया तो किस प्रकार दिया और कैसे मैं व्यक्त हुआ, इसको क्रम से देखेंगे, है ना। ये जैसे कि होता है ना कि स्लो मोशन में कई बार चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको स्लो मोशन में देखना है अपने आप को, है ना, बहुत ही आराम से। यहाँ मैंने अर्थ दिया, यहाँ मैं प्रभावित हुआ, यहाँ मेरा ये संस्कार जुड़ा है, यहाँ मैंने प्रतिक्रिया की कि नहीं। इसको जितना बारीकी से करेंगे अपना रोल ठीक ठीक दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं कि अकस्मात प्रतिक्रिया हो गई, नहीं, उसमें ये 9 घटनाएं शामिल हैं। ऐसा नहीं कि आपसे मुंह से कुछ शब्द निकल गया, ठीक, आपको आपका ऐसा सोचना नहीं था बट मुंह से शब्द निकल गया, नहीं ऐसा नहीं है। उसके पीछे आपका निर्णय रहा है, आपका अपना संस्कार रहा है। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते। इसको ऑब्जर्व करने का जब प्रयास किया भैया कि किस तरह से हमारे ऊपर बाहर के किसी भी वातावरण या व्यवहार का प्रभाव पड़ता है और कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दिखाई ये पड़ता है कि एक जो हमारे पर्सनालिटी का या जो समझ का भाग है जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है वो बहुत थोड़ा है, बहुत एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह है, और जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको आप संस्कार की तरह अभी कह के कह रहे थे, तो वो इतना डोमिनेंट होता है कि वो बिल्कुल जैसे वायरस होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो काम करता है और वो ओवर पावर करता है, वो वहां पे पूरी राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद भी वो अपना रोल प्ले कर जाता है रिएक्ट करने में, और समझ है परंतु जो प्री कंडीशनिंग का वायरस अंदर घुसा हुआ है वो अपना करके चला जाता है और बाद में समझ में आता है कि ये अपना काम कर गया। तो भैया ऐसा फील होता है कि जैसे संस्कार हमारे पता नहीं कितने जन्म जन्म में वो कितने स्ट्रांग हुए हैं कि उन पर एक केवल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काम कर पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तब काम होता है जिस समय हम जैसे आज आपके साथ इस समय बहुत बैठ करके शांत मन से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब एक ट्रिगरिंग सिचुएशन आती है और वहां पे रिमोट उस ट्रिगरिंग पॉइंट पे किसी का जाता है तो ऑटोमेटिक वो पूरी फाइल जो है वर्क करने लगती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कंप्लीट होने के बाद ही वो खत्म होता है। तो इस पर भैया थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कैसे हम लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कंडीशनिंग्स हैं, है ना। राइट अंडरस्टैंडिंग के बावजूद नहीं हो रहा, बल्कि यूं कहें कि राइट इंफॉर्मेशन के बावजूद हो रहा है। हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन है कि अगले व्यक्ति का इंटेंशन साउंड है, अगले व्यक्ति के कॉम्पिटेंस में कमी है, ना, ठीक, हर व्यक्ति दूसरा मेरे जैसा है, ये सब हमारे पास सूचनाएं हैं अभी, बट वो हमारे समझ का हिस्सा नहीं बना है। इसलिए क्या होता है कि कोई दूसरी सूचना जब मेरे तक आती है तो मेरा अपना संस्कार, जो पुराना संस्कार है, वो हावी हो जाता है। तो मेरे पास अभी राइट इंफॉर्मेशन है, राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी करने का काम यह है कि राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करेंगे, और उसके लिए ये सारा अभ्यास कर रहे हैं। तो हम इस क्रम में दोनों ही बातें कह रहे हैं, एक तो ये कि जो सही प्रस्ताव है उसको हम लोग विश्लेषित करके और स्पष्ट कर रहे हैं ताकि वो प्रस्ताव तो पूरी तरह मुझ तक पहुंचे। दूसरी बात हम ये भी कर रहे हैं कि अपने संस्कारों में भी
हम खोजबीन कर रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ, किन किन संस्कारों पे मुझे काम करना है। तो ये दोनों ही काम कर रहे हैं और यही करने योग्य है। तो एक तो हम सही प्रस्ताव का अध्ययन करते हैं, दूसरा अपना मूल्यांकन करते हैं, और इसी क्रम में हमारी अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस अवेयरनेस को बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण काम है, जो प्रस्ताव के अध्ययन में भी सहयोग करेगा और अपने मूल्यांकन में भी सहयोग करेगा। इस काम को करना है, यही काम अभी हम कर भी रहे हैं। इसको और बारीकी से करना है, और विस्तार से करना है, और गहराई से करना है। भैया ये कहना था कि जैसे कई बार अपने थॉट प्रोसेस को वॉच करने से ये लगता है कि मैं अपने ही रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का कारण रही हूँ प्रीवियस इंटरेक्शन में, और दूसरों की भी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गिल्ट की फीलिंग आती है कि चलो अपने पे तो आई एम वर्किंग, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, बट दूसरों की अगर कोई रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हमारी वजह से बनी है उस पे वी आर नॉट एबल टू वर्क अपॉन, तो वो एक स्ट्रॉन्ग गिल्ट की जो फीलिंग है, हाउ टू हैंडल दैट? हाँ देखिए, वो तो स्वीकारना ही पड़ेगा। देखिए, हम में से कोई व्यक्ति समझदार तो पैदा नहीं हुआ, जबकि हम सबकी चाहना ठीक ही रही। समझ के क्रम में लगे हैं, जिस उम्र में भी लग जाए। अभी ऐसा तो अपने को पता लगेगा ही कि अगर हमने बिना समझे काफी सारा जी लिया, बच्चे को भी तैयार कर लिया अपने अनुसार, और वो बच्चा अब जाके आगे उलझ गया है। बच्चा हो सकता है, हमारे मित्र हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जिम्मेदारी तो स्वीकारने की बात है कि बिना समझे हमने बहुत सारा कुछ किया जो अव्यवस्था में चला गया। बट उसमें हमको ये भी दिखता है कि इंटेंशन तो मेरा भी साउंड है, अगले व्यक्ति का भी साउंड है। तो आगे काम करेंगे, और अब जब भी निर्वाह करने का अवसर मिलेगा तो हम वहां पे और रहस्यता के साथ प्रस्तुत होंगे कि हाँ, ये समझ में कमी रही है और इसको मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ और आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो गिल्ट फीलिंग की बहुत आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हम सबकी चाहना ठीक है, समझ में कमी है, और आज भी हम समझने के क्रम में ही लगे हुए। तो ऐसा नहीं कि अगले क्षण से सब कुछ सही करने वाले हैं, अभी भी बहुत सारे निर्णय गलत होंगे जो अपने संस्कारों के साथ जुड़कर मैं लूंगा, और प्रतिक्रियाएं भी होंगी जब तक कि हमारे अंदर समझ की पूर्णता ना हो जाए। इस बात को तो अपने आप में देखने की जरूरत है। ऐसा तो कहीं से नहीं है कि इस वर्कशॉप अटेंड कर लेने से, मॉर्निंग सेशन अटेंड कर लेने से हमारे संस्कारों में यकायक सारा परिवर्तन परिवर्तन हो जाएगा, परिमार्जन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसमें तो अभी अभी बहुत सारा काम शेष है करने के लिए, वो करेंगे आगे। जी जी भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी। तो हम संवेदना किस प्रकार से अर्थ देते हैं और उसका मुझ पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग कल देखते रहे। तो संवेदनाओं को पढ़ना है, आस्वादन करना है या नहीं, इसका निर्णय मैं करता हूँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किन संवेदनाओं को महत्वपूर्ण मानता हूँ, और उसमें भी मेरे संस्कारों का रोल है। फिर संवेदनाओं को जो मैं अर्थ देता हूँ, वो भी मैं अपने संस्कारों के आधार पर देता हूँ, और फिर मैं अपने संस्कार के आधार पर ही संवेदनाओं से प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, और उसी के अनुरूप अपने भाव को तय करता हूँ। यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है, और मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है। तो यदि मेरा संस्कार सही समझ पर आधारित है, मेरे भाव सहज रहते हैं, मैं सुखी रहता हूँ, बाहर से आने वाले सूचना का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाता हूँ, और जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ कि निर्वाह भी वैसा ही करता हूँ। बट यदि मान्यता पर आधारित है तो मेरे भाव निश्चित नहीं रहते, मैं सूचना का गलत मूल्यांकन भी कर सकता हूँ, आवेशित होकर भी प्रतिक्रिया कर सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है, मान्यता पर आधारित है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, है ना? अभी 10 मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आप में। आप देखें कि कल आपकी कल्पनाशीलता क्या स्थिति रही, कितने आप सहज रहे, असहज रहे, ठीक है ना? और कौन सा ऐसा संस्कार था जो ट्रिगर हो रहा था? कोई सूचना आप तक पहुंची शरीर के माध्यम से, और उस सूचना के साथ आपकी पूरी कल्पनाशीलता पे प्रभाव पड़ा, और फिर उसके साथ आप सहज हो गए या असहज हो गए, ये देखना है।
तो अपने संस्कारों को देखना है, और देखना है कि ये समझ पर आधारित है या मान्यता पर आधारित, ठीक है ना। अभी 10 मिनट इसको ऑब्जर्व करते हैं, आप देखेंगे सब बहुत सारा कुछ है अपने अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। हम बहुत सारे मुद्दों पर रिजॉल्व नहीं होते हैं, और जहां जहां भी रिजॉल्व नहीं होते हैं वहां वहां हम प्रभावित होते रहते हैं, और जहां भी हम प्रभावित होते हैं वहां प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। प्रतिक्रिया शायद अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है ना। कई बार हम प्रतिक्रियाओं को रोक लेते हैं बाहर जाने से, बट अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया चलती रहती है। जी बढ़िया। इसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करें, और ये काम एक दो दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि जो पूरी आपकी दृष्टि है, जो पूरा आपका संस्कार है, इन सब पे काम करने की जरूरत होती है, और उसको परिमार्जित करने की आवश्यकता होती है। एक एक भाग को लेकर अगर अपने ऊपर हम काम शुरू करते हैं, चाहे व्यवहार हो या हमारे आगे के जीने को लेकर योजना हो, उन सब में जिस प्रकार का हमारा संस्कार पहले से बना हुआ है, उस पूरे संस्कार के साथ हम क्रिया के रिस्पॉन्ड करते हैं, तो संबंध को लेकर, व्यवस्था को लेकर, अपने पूरे जीने के लक्ष्य विधि कार्यक्रम को लेकर, जैसे ही हमारे संस्कार बने रहते हैं उसके आधार पर हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। तो इस पर हम ध्यान देना शुरू करें, है ना। ये एक अनवरत चलने वाला काम है। इस मॉर्निंग सेशन का प्रयोजन यही है कि अभ्यास हमारे अंदर चलता रहे। जो लोग पिछले बैच में भी थे तो उन्होंने तो पूरी बात सुनी है, परंतु अपने ऊपर काम करना विशेष है, और ये हम काम आगे भी करते रहेंगे अपने ऊपर। इसको जितना बारीकी से वरीयता देकर करेंगे उतना उतना हमारा उपकार होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को हम देख पाए कि जो भी बाहर से मिल रहा है वह एक सूचना है। तो शरीर से कोई स्वाद मिल रहा है हमको, ठीक ना, वो एक सूचना है, स्वाद एक सूचना है। बाहर के बहुत रासायनिक घटनाओं के बारे में भी मुझे सूचना ही मिल रही है, व्यवहार से मुझे सूचना ही मिल रही है। उस सूचना को मैं कैसे अर्थ देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट इसको अगर आप देखें तो आज के दिन भी जो व्यवहार को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसमें भी इंटरप्रिटेशन शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं एक ही चीज को। तो इसमें हम उसको और थोड़ी मौलिकता दे रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन के बारे में तो पूरा ईस्ट वेस्ट सभी बात कर रहे हैं कि हम व्यवहार में कैसे इंटरप्रेट करते हैं, किसी कम्युनिकेशन में हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इंटरप्रिटेशन यही है अर्थ देना, ठीक है ना। अब ये अर्थ जो मैं दे रहा हूँ अपने संस्कारों के साथ जोड़ के दे रहा हूँ, यहाँ फिर उस अर्थ देने के आधार में जो हम अपने संस्कारों को देख पाते हैं, उसमें हमारी गहराई की जरूरत है, और उसमें कैसे परिमार्जन हो उसके लिए जो पूरा प्रस्ताव है हमारे काम का है, ताकि हम अपने संस्कारों परिमार्जन कर पाए। तो जो पिछले अभ्यास में हम बात करते रहे कि कैसे हम संबंध, व्यवस्था, संस्कृति के आधार पर निर्णय ले पाए, तो उससे आगे जुड़ेगा, इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे। जी ये भाई मुझे जानना है संस्कार क्या होते हैं। संस्कार का मतलब कि आपके जो अभ्यास है, आपका विचार करने का जो अभ्यास है, इच्छा करने का जो अभ्यास है, आस्वादन करने का जो अभ्यास है। और पुराने संस्कार हम कहते हैं हम लेके आते हैं, जैसे दो बच्चे हैं पैदा हुए हैं जुड़वा, और दोनों की एक्टिविटीज अलग अलग हैं, तो कहते हैं इनके संस्कार अलग अलग हैं। हाँ, तो मैं शरीर से भिन्न हूँ ये बात अगर हम देख पाते हैं, तो वो दिखता है कि जन्म लेना शरीर का होता है, मेरा नहीं, है ना। मैं तो एक निरंतर बनी रहने वाली इकाई हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मेरा होना तो शरीर पर निर्भर नहीं है। तो किसी पॉइंट पे एसोसिएट हुए शरीर के साथ, जब शरीर के साथ एसोसिएट हुए तो उसके पहले जो कुछ भी हमारे अंदर था संस्कार रूप में, उसके साथ ही हम एसोसिएट हुए, तो वो हमारे जीने में आता रहता है। तो जुड़वा बच्चे हैं तो एक ही माँ के गर्भ से दोनों उत्पन्न हुए, शरीर अलग अलग है भले उसमें बनावट में काफी सिमिलैरिटी है, और मैं तो अलग अलग है ही। इतना जरूर है कि जो मैं है
समझ के भाव में उस पे बहुत सारा प्रभाव शरीर का पड़ता है। तो बच्चों में आप पाएंगे कि बहुत सारा प्रभाव उनके शरीर का दिखता है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता है। बट जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है या जैसे जैसे हमारी इच्छा के अवसर पे काम होने लगता है, तो वैसे वैसे हमारे संस्कारों में परिवर्तन या परिवर्तन होने लगता है। तो यदि हम आशा के स्तर पर जी रहे होते हैं तो हमारा आचरण काफी शरीर से प्रभावित रहता है। विचार के स्तर पर जी रहे होते हैं थोड़ा कम प्रभावित होता है। इच्छा के स्तर पर जीने लगते हैं तो बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। तो एक ही परिवार में दो बच्चे उत्पन्न हुए, भले ही जुड़वा है ना, तो शुरू में तो काफी कुछ मिलता जुलता दिखाई देगा, पर जैसे जैसे इच्छा के स्तर पर काम करने लगते हैं तो पता चला इन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं, उनके प्रवृत्तियां बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसा भी दिखाई देगा, कोई बहुत आक्रामक है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत एक्टिव है, कोई बहुत डल है। इस तरह के परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे। जो हम सोचते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो सोचने का पैटर्न है, वही संस्कार है। हाँ, वही गहरी स्वीकृतियां हैं आपकी, जो आपकी कल्पनाशीलता की पूरी बनावट है। जैसे आप कल्पना करते हैं, आप किन बातों से प्रभावित होते हैं, किन बातों से प्रभावित नहीं होते। तो ये जो ब्लॉग B2 में आप कह रहे हैं, इच्छा आशा विचार जो आप कह रहे हैं, तो ये यही संस्कार है। हाँ, ये तो क्रियाएं हैं, इन हाँ क्रियाओं को क्रियान्वित करने का जो अभ्यास है वो संस्कार है। तो आप कैसे इच्छा करते हैं, कैसी इच्छा करते हैं, आप कैसे ये विचार करते हैं, संस्कार है। ये संस्कार है। अच्छा भैया जी, काफी समझ में आया है, काफी डाउट कंफ्यूजन भी था। अच्छा, ये जैसे कल कुछ बात हो रही थी तो एक भाई साहब थे, भैया थे, जिन्होंने कुछ बोला, तो उसमें हम कटाक्ष कर देते हैं। आपने बोला कि हम कटाक्ष कर देते हैं, कोई चीज होती है। अच्छा, ये कटाक्ष तब समझ में आता है जब शादी भी हो जाती है, कि जब कुछ बोलने पे पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि कटाक्ष कर रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आया। तो इसका मतलब जो हम कटाक्ष करते हैं, कोई भी काम होता है, या मान लेते हैं कि इंटेंशन, पहले तो इंटेंशन पे डाउट होता था कि इंटेंशन सही नहीं है, धीरे धीरे कोर्स करना समझ में आ रहा है, नहीं, कॉम्पिटेंस की भी कमी है भाई हमारे अंदर या सामने वाले के अंदर, तो ये तो दिखने लगा है। लेकिन अभी भी कटाक्ष हो जाता है, पता नहीं चलता है। जब जब घटना घट जाती है, कुछ अनहोनी होने लगती है मैं और मैं के बीच में, तब समझ में आता है, अच्छा, यहाँ गलती कर बैठे। तो इसका मतलब ये जो कटाक्ष मैं करता हूं, ये संस्कार है मेरे। हाँ, अच्छा, तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। और क्या। अच्छा है, आप लोग पढ़ा रहे हैं तो पता ही नहीं चलता, तो चलता चला जाता। हाँ, ठीक बात है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है भैया जी, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया भैया। हाँ योग जी, भैया, नमस्ते। अपन जो ये स्टेप 5 कर रहे हैं ना, उसमें दूसरे मानव का व्यवहार, उस वाले पार्ट से अभी भी मेरा प्रभावित होना है ही। जैसे भैया कि दूसरा हमसे कोई अपेक्षा रखता है, और उस अपेक्षा को जब मैं पूरा नहीं कर पाती, तब मुझे बहुत दुख होता है। तो ये भी मेरा एक संस्कार ही है ना। जी तो फिर इसमें परिमार्जन के लिए कौन सी जगह पर काम करें? जैसे कि इंटेंशन पर डाउट नहीं होता, पर सिंस उसने जो अपेक्षा रखी, और वो ये भी पता रहता है कि सारी अपेक्षाएं हम नहीं पूरी कर सकते, कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, पर उस पूरी न कर पाने का दुख मुझे बहुत लंबे समय तक रहता है। तो हम पहले तो अपेक्षा का मूल्यांकन करेंगे, या तो हमने अपना कहीं मूल्यांकन में चूक कर लिया है कि हमने मान लिया कि मैं हर एक की अपेक्षा पूरी कर सकती हूँ, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अपेक्षा का मूल्यांकन करेंगे, अपना भी मूल्यांकन करेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे की अपेक्षा पूरी करें। जैसे हम लोग एक दूसरे से अपेक्षा करें कि अगला व्यक्ति कल तक समझदार हो जाए पूरी तरह से, अब ये अपेक्षा ही ठीक नहीं है। जब भी हम कोई अपेक्षा रखेंगे तो जो उसका करेंट स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस है उसका तो मूल्यांकन ठीक से करेंगे ना, उसके आधार पर ही रखेंगे। कुछ चीजें प्रकृति सहज है, कुछ चीजें प्रकृति सहज नहीं है, वो भी देखना जरूरी है।
तो मैं के बारे में अपेक्षा ये होगी कि जांच परख के द्वारा व्यक्ति में सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो सकता है। कब तक होगा इस व्यक्ति के कार्यक्रम योजना पर निर्भर करेगा, तो उसको उसी अनुसार देखेंगे। जो जड़ वस्तुओं को लेकर अपेक्षा है उसका भी मूल्यांकन करेंगे। नहीं, जैसे जैसे कि एग्जांपल कि जैसे बच्चे हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि उनको रोज जो खाना चाहिए वो ही बनाए दे, ठीक है, हर समय। पर हर समय हम ऐसा कर नहीं सकते, हम बता भी उनसे साथ संवाद भी करते हैं कि ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी वो ठीक है, वो कर भी लेते हैं, पर फिर भी उनका मूड खराब हो जाता है, तो उनको देख के हमको भी बुरा लगता है। तो ये जो पार्ट है ना भैया, दूसरे की अपेक्षा पूरी न कर पाने की वजह से मैं दुखी रहती हूँ, ये पार्ट मेरा लंबा चलता है। हाँ, वो जो अपेक्षा है बच्चों की, उसका मूल्यांकन भी तो जरूरी है। तो उसको अगर हम मूल्यांकन, ये मूड का क्या होता है, ये क्या है, इसको भी समझेंगे। देखिए बहुत सारे शब्द लोग प्रयोग करते रहते हैं, तो बच्चों का स्वादन से सुखी होने का कोई आशा बना हुआ है। ये भी दिखता है भैया कि हाँ भैया जी, तो उसको बच्चे भी मूल्यांकित नहीं कर पा रहे, हम भी मूल्यांकित नहीं कर पा रहे। हाँ, इतना जरूर है कि हम बच्चों के बारे में भी ये स्वीकारते हैं कि बच्चे आज के दिन ही सही समझ सही भाव तो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो ये बाहर से सूचना पाकर सुखी होने की आशा इनमें बनी रहेगी। तो उसके लिए उनको एक उदारतापूर्वक समय देते हुए हम कार्यक्रम भी बनाएंगे। तो भोजन की बात है, बदल बदल के बना देंगे, बट ऐसा ना हो कि इस पे आश्रित होने लगे सुख के लिए। तो हमें दोनों ही चीजों का ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति की अभी जितनी योग्यता हो गई है उसको उदारता पूर्वक हम स्वीकारते हुए, उसके अर्थ में या समझ के अर्थ में ही उसको स्वीकारते हुए कुछ कार्यक्रम बनाते हैं, ठीक, और साथ में ही समझ के लिए भी कार्यक्रम बना रहे होते हैं। तो वो उदारता भी जरूरी है और साथ में वो लक्ष्य तय होना भी जरूरी है। तो ये बच्चों के साथ भी है, वयस्कों के साथ भी है, इतनी उदारता तो रखेंगे ताकि अगले व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति संबंध में स्वीकृति बनी रहे, उनको ऐसा लगे कि माँ जब जब देखो तब कोई ना कोई लेक्चर दे देती है ना, कुछ मन की तो करती नहीं है। और ये भी ना हो कि हम उनके अपेक्षाओं को इस कदर पूरा करने लगे कि वो उसी में लिप्त हो जाए, समझने पर ध्यान ही न जाए। हमारे अंदर लक्ष्य स्पष्ट हो, दूसरे के प्रति उदारता हो। उदारता का प्रयोजन भी क्या है, व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहां से चलना तो शुरू करे। जी, तो पता चला कि संबंध का भाव ही नहीं रहा अगले व्यक्ति के अंदर, हमारी बात सुनेगा क्यों। और खास तौर पर बच्चों में हमको दिखता है, हम भी कभी बच्चे थे, ठीक, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी इस तरह की आशा बनी हुई थी आस्वादन को लेकर, चॉकलेट मिले, खिलौने मिले, खाने को मिले, घूमने को मिले, ठीक है ना। तो इस समय हम देखें कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हमको सहज से स्वीकार होता। अगर हर बात में नो कहा जा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है, और सारी इच्छाएं पूरी की जा रही है इस तरह की परंतु तो समझने पर ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। अभी तो भैया ये मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया, पर ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ ज्यादा नहीं है, वो बड़ों के साथ ज्यादा है ये प्रॉब्लम। ठीक बात है, तो बड़ों के साथ हम भी वार्ता में कमी कर सकते हैं, उनके साथ हम कुछ चीजों को निश्चित कर सकते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि उनके बारे में हमको ये दिखता है कि उनके साथ प्रस्ताव पूर्वक बात हो सकती है। और खासतौर पर यदि किसी व्यक्ति का आचरण ऐसा है जिससे अहित हो रहा है परिवार का, समाज का, प्रकृति का, तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता। बस यही पॉइंट है भैया, हाँ, कि यहाँ मैं स्ट्रिक्ट नहीं रह सकती, फिर मैं छोड़ देती हूँ, यही जगह है जहाँ मुझे प्रॉब्लम होता है। देखिए, स्ट्रिक्ट हम इस रूप में रहे कि मेरी भागीदारी निश्चित है कि इससे, है ना, अधिक या इससे कम हम नहीं कर सकते, इतना किया जा सकता है, इस रूप में हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, बट हम दूसरे को डिक्टेट नहीं करेंगे कि आपको ऐसा ही करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल वो ड्रिंक कर रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं भाई, इसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है। कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है समाज में, इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं। कोई व्यक्ति शरीर का नुकसान कर रहा है किसी और विधि से,
और इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम अपनी भागीदारी तय कर देंगे और आप जैसा निर्वाह करोगे उसके अनुसार आपके साथ संबंध का निर्वाह आगे कैसे करना है उसको निश्चित करेंगे। बच्चों के साथ क्या होता है, उनको हम गाइडेंस दे सकते हैं और उसको स्वीकारते भी हैं, वयस्क के ऊपर निर्भर करता है वो गाइडेंस ले या ना ले हमसे। गाइडेंस ले रहा है एक तरह से हम तय करेंगे, गाइडेंस नहीं ले रहा है अलग तरह से तय करेंगे। तो मेरी भागीदारी मेरा निर्णय है, बट अगले कैसे जीना है उसका निर्णय है। अब उसने अपने बारे में जो निर्णय लिया उसके आधार पर मेरी क्या भागीदारी होगी ये मेरा निर्णय है। तो वयस्कों के साथ तो है ना ये अप्रोच लेके चलना ठीक है, क्योंकि अभी वो हो सकता है हमारे गाइडेंस लेने की स्थिति में ना हो। बच्चे में भी अगर हमारे बच्चे हैं तो स्वीकारते भी हैं हमको और गाइडेंस को भी स्वीकारते हैं और हमारा गाइडेंस देना एक दायित्व तो भी बनता है, तो उसको हम पूरा करेंगे। दूसरे के बच्चे हैं तो वहां पे फिर हम इसी रूप में देखेंगे कि अगर हमसे गाइडेंस ले पा रहे हैं तो अच्छी बात है। खासतौर पर यदि आप देखें एक्सटेंडेड फैमिली कई बार होती है तो अपने बच्चों के साथ एक तरह से निर्वाह कर रहे होते हैं, दूसरों के बच्चों के साथ दूसरे तरह से निर्वाह कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके माँ पिता की जिम्मेदारी है उनको गाइड करना। तो अगर दूसरों के बच्चे गाइड करना शुरू करें तो माँ पिता आहत हो सकते हैं, भाई आप कौन होते हैं तय करने वाले, तुम्हारा बच्चा क्या खाएगा पिएगा घूमेगा फिरेगा पहनेगा ओढ़ेगा, है ना, ये तो हम नहीं तय कर सकते। हम वहाँ पेरेंट्स के साथ फिर इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ डायलॉग करेंगे, अपने बच्चों के बारे में हम उनको गाइड कर सकते हैं, कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है भैया जी, बढ़िया बढ़िया दीदी। कभी आपने इसी अपने जस्ट जो भी कन्वर्सेशन हुआ उसमें मिल गया मुझे, और मैं ये कहती भैया जो संस्कारों वाली बात भैया कर रहे थे इससे पहले, तो भैया जो बाद में वातावरण से प्रभावित होकर बच्चा संस्कार बनाएगा वो तो है ही है, लेकिन जब बच्चा मतलब जैसे इंटरेक्शन बच्चे का पहले या तो परिवार में ही होता है तो उसमें मतलब एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है माता पिता की कि वो मतलब बच्चे के संस्कार को बन मतलब सुसंस्कार है ना तो उसको बनाने में अपना योगदान दें, मतलब वही अच्छी गाइडेंस समझदारी वाली गाइडेंस के साथ ही हो पाएगा, है ना भैया। बस यही कह रही थी, यही ध्यान मेरा गया कि कितना बड़ा एक रोल है माता पिता का बच्चे के संस्कारों को बनाने में, और वो संस्कार जीवन भर उसके साथ चलते हैं। हम भी देखते हैं अगर जो हमने माता पिता से अपने सुसंस्कार लिए वो कोई हमसे छीन ही नहीं सकता है, मतलब एकदम चिपक गए हमारे साथ में वो, और अगर बाय चांस वो कुछ गलत भी संस्कार है वो भी चिपक गए, मतलब चाहे वो मतलब किसी भी तरह के, तो कितना बड़ा रोल होता है एक मतलब माता पिता का, क्योंकि बड़े होके तो बच्चा कुछ संस्कार शायद समाज में जो देख रहा है वहां से भी शायद बनाता है ना भैया। बस यही मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए गाइडेंस तभी दे सकते हैं जब हमारा जीना ठीक हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारा गलत है तो बच्चे में गलत संस्कार ही, और भैया जा भी रहे हैं तो बहुत सारे हम बच्चों के प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं होगा। आप बच्चों से कहेंगे आप झगड़ा क्यों कर रहे हो तो बच्चा पलट के कहेगा कि आप लोग भी आपस में झगड़ते रहते हो, आप लोग बंद करो। हाँ जी, तो बंद करो। बिल्कुल, मैं जैसे झूठ जाने अनजाने झूठ बोल देना है ना, ये सब मतलब जो मैं देख भी रही हूँ आसपास में भी, और जो खुद भी अपना मतलब जो पहले का जीना था उसमें भी देखते हैं, जैसे बच्चे को आदेश देना या अभी यही काम करना है तुमने, और नहीं अभी हमने कहा है तो अभी करना है, तो शुरू शुरू का तो ऐसा ही रहा, तो भैया वही सारा ध्यान गया जब भैया ने संस्कारों की बात की, है ना। ठीक बात है। हाँ जी बढ़िया दीदी, बढ़िया, सभी का ध्यान जा रहा है। थैंक यू भैया जी। इसको हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व करें, अपने संस्कारों का और अध्ययन करें और ठीक से बारीकी से उनका मूल्यांकन करें, और इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न लगे मिलेंगे अपने को। कई सारे प्रश्न तो आपको निर्वाह के स्तर पर बनते हैं कि ऐसे करें कि वैसे करें, और गहराई में जाएं तो विचार के स्तर पर लगते हैं कि विश्लेषण क्या ठीक बैठा नहीं बैठा, और गहराई में जाए तो भाव के स्तर पर दिखते हैं। पहले संबंध का भाव तो हो तब तो विचार पूरा होगा, तब तो निर्वाह पूरा होगा। तो संस्कारों में भी आप अगर उसको भाव के स्तर पर ठीक ठीक देख पाते हैं तब तो उसमें परिमार्जन हो पाता है, नहीं देख पाते हैं परिमार्जन शेष रह जाता है। विचारों में ही हम निष्कर्ष निकालते रहते हैं और निर्वाह में हम कुछ निर्णय देते रहते हैं। जी जी नमस्ते, जी नमस्ते सभी को। भैया जो हम विश्लेषण करते हैं विचारों में,
अगर मतलब जो पहले अपने अंदर इन्फॉर्मेशन है उसी का मनन करते हैं, तो उस रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि हम शरीर का उपयोग नहीं कर रहे, मतलब ब्रेन का नहीं कर रहे, वो विचार अपने में ही चल रहे हैं। तो जब तक कि कोई बाहर से सूचना नहीं मिल रही ना, तो तब तक हम ब्रेन को यूज नहीं कर रहे। तो ऐसा ठीक है भैया, मतलब कि जब हम विचार कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन को अपने में मनन कर रहे हैं, तो फिर हम बाहर से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्रेन का बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या भैया? दीदी ये तभी हो पाएगा जब हम बिल्कुल भाव के स्तर पर ऑपरेट कर रहे हो। अदरवाइज विचार भी करते हैं ना, और यदि हम चयन आस्वादन कर रहे हैं तब तो हम ब्रेन का प्रयोग करते ही रहते हैं। जैसे चयन आस्वादन वाले भाग देखेंगे कि किसी का नाम हम रिकलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, कोई घटना को रिकलेक्ट कर रहे हैं, आगे के लिए कोई हम निर्णय लेने के लिए विचार कर रहे हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि ये ब्रेन का प्रयोग तो होता ही रहता है इन सब चीजों को ध्यान मिलाने के लिए। जब शुद्ध रूप से भाव के स्तर पर ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्रेन का मिनिमल यूज है। बट उसमें भी क्या होता है, जब भी भाव को हम अपने अंदर चित्रित कर रहे होते हैं, मूल्यांकित कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई विचार से जुड़ता है, विचार कोई ना कोई व्यक्ति से, प्रसंग से, घटना से जुड़ता है, तो उनमें ब्रेन का प्रयोग होता ही रहता है। तो आप पाएंगे कि वो कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए कि शरीर हमारा या ब्रेन हमारा कितनी देर में थक जाता है। तो अगर हमने ब्रेन का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया तो नहीं थकेगा, है ना। बाकी जो उसकी थकावट होगी शरीर को क्रियान्वित रखने में जो कुछ होना है उतना होगा, बट हमारे अपने द्वारा तो नहीं थकेगा। विचार कर रहे होंगे तो एक प्रकार थकेगा, और कुछ आस्वादन पे ज्यादा समय लगा रहे हैं, चयन पे ज्यादा समय लगा रहे हैं तो ज्यादा थकेगा। तो निर्भर करता है कि हम किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। जी भैया, ठीक है भैया। ऐसा लगता है कि कई बार हम ब्रेन पूरा दिन में बिल्कुल ब्रेन का यूज नहीं कर रहे, मतलब ये बहुत मिनिमल कर रहे हैं, बिल्कुल तो नहीं कहूंगी, मिनिमल कर रहे हैं, तो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती है। हाँ जी, और कई बार ऐसा कि एकदम से कभी किसी सूचना को लेके मतलब इमोशंस में चले जाते हैं, तो फिर उसके तब एकदम प्रेशर भी आता है दिमाग पे, ऐसा लगता है कि एकदम जोर से कुछ दिमाग पे हो गया, तो पता लग गया कि हमने इसमें बहुत ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर थोड़ा सा उसको रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, ऐसा भी लगता है। जी, इन सब चीजों को हम प्रयोग पूर्वक देख पाते हैं। और एक तो देखिए इतना तो प्रयोग है कि शरीर के प्रति संरक्षण के भाव को हम बनाए हुए हैं, तो उसके लिए तो हम शरीर का प्रयोग करेंगे, ब्रेन का प्रयोग करेंगे, उतना भर तो हमेशा चलता रहेगा। ब्लॉक B1 में जब हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं शुद्ध दृष्टा के रूप में, तो वहां तो ब्रेन का प्रयोग नहीं है ना, वो तो शुद्ध दृष्टा के रूप में मैं वास्तविकता को देख रहा हूँ। बट उसको जैसे ही मैं कल्पनाशीलता फैलाता हूँ तो वहां पे भी प्रयोग शुरू हो जाता है। जी ठीक है भैया, मतलब इसको मैं भी यही देखूंगी कि मिनिमल हो रहा होगा, मतलब वो तो मतलब विचार ही हो रहा था, मनन ही हो रहा था, तो मिनिमल ब्रेन का यूज हो रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बिल्कुल ब्रेन को नहीं यूज कर रही, और मतलब बाहर से कभी कोई थोड़ा सा मनन करते हुए बाहर से कुछ भी इनपुट आया, तभी मुझे लगा कि बाहर से सूचना मिली और मैंने यूज किया ब्रेन को, तो जी ऐसा। जी भैया ठीक है, इसको और देखते भैया। हाँ, इसको और बारीकी से देखते। जी भैया धन्यवाद। बढ़िया दीदी, तो गृह कार्य के रूप में देखें, स्टेप 5 में यह है कि अपने परिवार के सदस्यों पर या कार्यस्थल पर सहकर्मियों से जो आप संवाद करते हैं उसमें आप देखें कि मैं निर्णय पूर्वक दूसरे की आवाज की संवेदना को पढ़ता हूँ या बिना निर्णय के, मैं कैसे अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ, और जैसा मैं अर्थ देता हूँ उसे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ, और फिर मैं प्रतिक्रिया पूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक स्वयं में निर्वाह करने का निर्णय लेता हूँ, आवश्यकता अनुसार शरीर को निर्वाह हेतु संकेत देता हूँ, और जैसा मैं संकेत देता हूँ शरीर वैसा ही करता है। ये व्यवहार को लेकर एक बात कही गई कि अपने परिवार में देख सकते हैं, वर्क प्लेस पे देख सकते हैं। आप देखेंगे, मान लीजिए वर्क प्लेस पे हैं और किसी मुद्दे पे कुछ अस्पष्टता बनी हुई है, या दोनों के ओपिनियन मेल नहीं खा रहे, या विरोध बन गया है,
अब अगला व्यक्ति सामने से आ रहा हो, ठीक, अब आपके लिए ये भी निर्णय लेना मुश्किल पड़ता है कि मैं इस व्यक्ति की ओर देखूं या न देखूं, सीधा देखूं या पलट के इनकी ओर देखूं, हाय हेलो कहूं या चुपचाप निकल जाऊं। और आप देखेंगे कि उतनी देर में ही है ना आप काफी प्रभावित रहते हैं उस घटना से जो सामने से व्यक्ति चला रहा है जिसके साथ कोई विरोध बन गया है। वैसे ही उनके साथ व्यवहार करना हो, उनके साथ बैठकर बात करनी हो, तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करें कि कैसे हम दूसरे की आवाज को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। वही मित्रवत संबंध है, एक प्रकार से हमारा भाव विचार रहता है, हमारा निर्वाह रहता है। मित्रवत नहीं है, कोई विरोध बन गया है, तो अलग प्रकार से रहता है। तो आप देख पाएंगे कि जब मैं दूसरे की आवाज की संवेदना को पढ़ता भी हूं तो उसमें मेरा निर्णय होता है, ठीक, उसको जो अर्थ देता हूं वही व्यक्ति सामने से आ रहा है। कल तक ठीक ठाक चल रहा था, शाम को पता चला कि उसने आपकी शिकायत कर दी है और शिकायत झूठी है और आपके जो सुपीरियर है उनसे शिकायत कर दी है। अब आप उस व्यक्ति के व्यवहार से आहत हैं और वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, ठीक है ना। अब वो कुछ कहेगा तो भी आप देखिए उसकी सब उसकी जो आवाज है उसको किस प्रकार सुनते हैं, उसका जो रूप सामने दिख रहा है चलता हुआ उसको भी आप किस प्रकार देखते हैं। कल सुबह में आप कैसे देख रहे थे और आज सुबह कैसे देख रहे हैं, यही चीज परिवार में भी हो जाता है। किसी बात पे अनबन हो गई, ठीक, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो कल आप कैसे उसकी बातों को ध्यान दे रहे थे, कल तक उसकी आवाज बहुत मीठी लग रही थी आज बहुत कर्कश लगने लगी, कल तक वो जो बोल रहा था उसमें आप सहमत थे, अब जो बोल रहा है उसी को आप काटने पे लगे हुए कि नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है, क्या लगता है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। संबंध का भाव बना हुआ है तो आप उसकी हर बात पे सहमत होते रहते हैं, विरोध बन गया हर बात को काटने पे लगे रहते हैं। संबंध का भाव है साथ बैठकर समय बिताने की इच्छा रखते हैं, विरोध का भाव बन गया दूसरे को अवॉइड करने का विचार करते रहते हैं। इन सब चीजों को अपने आप में ऑब्जर्व करें, बहुत सारा स्कोप दिखाई देगा। तो व्यवहार वाले भाग को देखें, उसके साथ हम शरीर में होने वाली घटना को भी देख सकते हैं और शरीर से बाहर होने वाली घटनाओं को भी देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा और ऐसा होता भी है, ठीक। उसमें यही कि अगर हमारा भाव स्पष्ट रहता है तो हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहता है, अगले ने कुछ अहित किया हमारा तो भी, है ना, मित्रवत किया तो भी, तो जब मिलते भी हैं तो एक हम उसके साथ एक करुणा के भाव के साथ मिलते हैं, एक संबंध के भाव के साथ, ठीक, उदारता के साथ। यहाँ व्यक्ति इसकी कॉम्पिटेंस बहुत लो है, इसको ऐसा नहीं कि संभल के रहना होगा, इसको संभाल के रखना होगा अगले व्यक्ति का संभल के रहना है या अगले व्यक्ति को संभाल के रखना है, दोनों में अंतर है। जिम्मेदारी का भाव है तो संभाल के रखते हैं, जिम्मेदारी का भाव नहीं है तो संभल के रहते हैं। ताकि मेरी सोच दूसरे से प्रभावित ना हो इसलिए सतर्कता जरूरी है जी, और इनफैक्ट से आगे जाए तो मेरे अंदर संबंध का भाव बनाना ताकि हम दूसरे प्रति जिम्मेदार बने रहे। तो सिर्फ सतर्क नहीं होना है, दूसरे प्रति जिम्मेदार भी होना है, अनुसरण अनुकरण। तो अनुसरण का मतलब अगर हम छोटे बच्चे में देखें तो हम उसको कॉपी करते हैं, अगले व्यक्ति को जैसा कर रहा होता है वैसा ही हम भी कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता नहीं लगाते। अनुकरण वाले भाग में उसका विश्लेषण भी करते हैं, ये काम कैसे होता है, ये चीज कैसे किया जाता है। जैसे कोई लकीर खींच रहा है, ठीक, तो जैसा लकीर खींच रहा है वैसा है, हम भी खींच रहे हैं, ये अनुसरण है। अब उस लकीर को खींचते हुए देखकर हम अपने अंदर ये कल्पना करते हैं कि इसको कैसे कैसे और खींचा जा सकता है, ये ऐसे ही कैसे खींचता है। अब इसमें क्या हुआ, हमने कल्पनाशीलता अपने जोड़ दी, तो यहाँ पे हम अनुकरण कर रहे हैं। जी कुछ हैंड्स रेज हैं, समय तो बहुत थोड़ा सा बचा है। भैया आज जो संस्कार वाली बात चल रही थी तो ये पूछना था, देखिए अभी मेरे घर में लड़की भी है और मेरा छोटा लड़का भी है, ठीक है, वो 4th स्टैंडर्ड में है,
अभी उनको जो बढ़ा रहे हैं, हमारे भाव तो दोनों के लिए सेम ही बने रहते हैं, बट क्या है ना, लड़कियों मतलब मेरी जो लड़की है उसका एक्सेप्टेंस हर एक में रहता है। हमने कुछ खाने के लिए दे दिया या कुछ हम कह रहे हैं तो उनका उसका तो एक्सेप्टेंस मतलब मेरे मैंने जो कहा है उसकी तरफ बना रहता है। बट मेरा जो लड़का है ना वो कभी कभी ऐसे डाउटिंग ऑन द इंटेंशन, मतलब मेरे इंटेंशन पे थोड़ा उसका एक डाउट लेने का एक थोड़ा आदत है। तो ठीक है, अभी उसको मुझे थोड़ा सा उसको फिर मतलब ये जो है उसकी आदत या उस पे जो काम करना है तो हम ऐसे कर रहे हैं, अभी थोड़ी समझ बढ़ रही है तो उसको हम सवाल करते हैं कि उससे ही जानना चाहते हैं या फिर सोचे ऐसे कुछ हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें कुछ और बताएंगे भैया कि ये जो नेचर है मेरे लड़के का जो थोड़ा डाउट लेता है तो शायद ये उसका संस्कार है, तो इस पर अगर मैं एक माँ के बतौर अगर मुझे काम करना है उसमें सही समझ अगर लानी है तो क्या काम करूँ, थोड़ा बताएंगे भैया इस पर। बच्चे को जिम्मेदारी दीजिए। देखिए क्या है, अगर बच्चा सिर्फ रिसीविंग एंड पे है कि आप जो दे रहे हैं वो खा रहा है, आप जैसे रख रहे हैं वो रह रहा है, तो उसकी इच्छा अनियंत्रित होगी। आप बच्चे को इच्छा पूर्ति में भी भागीदारी दीजिए कि भाई अगर कुछ खाना बन रहा है तो आपकी भागीदारी है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो कोई खाना बना रहा है तो आप सब्जी को धो ही सकते हैं, काट ही सकते हैं, आप अपना बर्तन स्वयं से धो ही सकते हैं। अगर कुछ घर में काम होना है तो उसकी तैयारी में आप साथ में लग सकते हैं। तो जब तक बच्चे को क्या भागीदारी स्पष्ट नहीं होती तब तक वो बाहर से कुछ सूचना पाकर सुखी होने की आशा बनाए रखता है। भागीदारी करनी होती तो विचार भी करता है कि देखो इस आशा को पूरा करने में अगले के लिए कितना सारा काम है। तो जो बड़ा बच्चा होता है, खासतौर पे यदि बच्ची है और बड़ी है, तो वो एसोसिएट हो पाती है। कुकिंग कुछ हो रहा है तो उसमें भी, घर में कुछ काम हो रहा है तो भी, गेस्ट को रिसीव करना है तो उसमें भी। छोटा बच्चा है, उसकी कोई भागीदारी है नहीं, उसको सिर्फ स्वाद लेना है, चाहे व्यवहार का मिले चाहे खाने पीने का मिले, तो उसकी इच्छा अनियंत्रित रहती है। उसको आप भागीदारी देना शुरू करें कि इस आयोजन में आपकी भी भागीदारी है, खाना बन रहा है तो उसमें भी, तो गेस्ट रिसीव करने उसमें भी, घर के काम काज है उसमें भी। तो उसके वो उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव ही बनेगा और आपकी तरफ से वो सोच भी पाएगा, फील भी कर पाएगा कि हाँ एक इच्छा को पूरा करने में कितना सारा आयोजन करना पड़ता है। बच्चे ने कह दिया शाम को कि भाई हमको तो ये विशेष डिश खाना है और हम लग गए उसकी तैयारी में। अब उसको ये तो नहीं पता नहीं कि इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती। जब हम उसमें उसमें भागीदारी देते हैं उसको पता लगता है कि हाँ अगर हम रात को 8 बजे कुछ कह रहे हैं और बनने में 2 घंटा लगता है, ठीक है ना, तो अगले व्यक्ति की मेहनत कितनी बढ़ गई है, अगला व्यक्ति दिन भर काम करके आया है, थका हुआ होगा, ये सब चीजों को नहीं देख पा रहा तो देख सकता है, इसलिए भागीदारी देना जरूरी है बच्चों के साथ। जी जी हाँ भैया, जब हम ये कहते हैं ना कि सही भाव दूसरे तक पहुंच पाए तो यहाँ दोनों की कॉम्पिटेंस का सवाल आता है ना। हाँ बस बस इतना ही आप मतलब हो सकता है कि हाँ हमारे अंदर वो कॉम्पिटेंस हो, हम सही भाव को व्यक्त भी कर पा रहे हैं, उसमें स्किल हमारे पास है, लेकिन अगर वो उसमें कॉम्पिटेंस कम है तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक बात है, उस संवेदना को पढ़ेगा ही नहीं अपने संस्कारों से जोड़कर। ठीक ठीक, तो अर्थ भी कुछ अन्यथा दे सकता है। हाँ ये तो है ही। ठीक है भैया, ठीक बढ़िया भैया। तो ये जो असाइनमेंट है आज के लिए गृह कार्य है, इसको हम देखें करें अपने आप में और इसको नोट कर लें, है ना। ये हमारे बहुत सारे संस्कार जो है ना, ये हमारे घटनाओं में तो ध्यान में आ जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। उसको नोट कर लें कि इस प्रकरण में इस घटना से मैं इस प्रकार प्रभावित होता हूँ या होती हूँ, है ना। इसको नोट कर लें फिर इसके ऊपर बैठ के काम करें, उसमें फिर देखें कि इस तरह की घटना मेरे अंदर क्यों घटित हुई, व्यवहार मेरे द्वारा ऐसा कैसे हुआ, क्या मान्यता बनी हुई है, क्या अभ्यास बना हुआ है, क्या दृष्टि बनी हुई है, उसको हम देखें अपने अंदर फिर उस पर काम करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, चर्चा को यहाँ रोक लेते हैं, समय हो चला है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, कल पुनः हम लोग इस पर बात शुरू करेंगे। सभी को नमस्ते।